नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, पूरा स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। बिना इलाज के लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। देश की सांसें उकड़ रही है, सरकार की अति संवेदनशीलता चरम पर है। कई राज्यों की बात कर ले तो कई राज्यों को ऑक्सीजन देने वाले राज्य में ऑक्सीजन तो है लेकिन सिलेंडर नहीं है। इसी को लेकर सीएम सोरेन ने राज्य के इंडस्ट्रियल गैसेस कंपनियों का निरीक्षण किया है, साथ ही संचालकों से ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी भी हासिल की है और इससे संबंधित कई दिशा निर्देश भी यहां पर दिए हैं। इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहां आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहां जो हमने देखा, एक घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है। इसको इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सामान जो अभी इससे जुड़ी मेडिकल लिए से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें जहाँ तहाँ रुकी पड़ी हैं, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा उसमें वक्त लगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार राज्य को इस संकट से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन यहाँ सिलेंडर की कमी हो गई है, जिसकी वजह से भी लोगों को यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कंचन, झारखंड के साथ बहुत सारे एडवांटेज हैं और अब राज्य सरकार उन एडवांटेज का उपयोग करना शुरू कर चुकी है। सबसे पहली बात यह है कि जो ऑक्सीजन अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं, मरीजों को दिए जाते हैं गंभीर परिस्थितियों में, वह ऑक्सीजन बेसिकली एक इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होता है स्टील इंडस्ट्री में। और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो झारखंड में सरकारी और निजी क्षेत्र में कई स्टील कंपनियां हैं जो काम करती हैं। अगर उनके बारे में बात करें तो बोकारो में बोकारो स्टील लिमिटेड है, जो सेल के द्वारा संचालित होता है। जमशेदपुर में टिस्को है, वह टाटा घराने के द्वारा संचालित किया जाता है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का रामगढ़ पतरातू में स्टील यूनिट है। इसके अलावा कई सारे निजी यूनिट हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। अब राज्य सरकार ने उन तमाम जगहों से ऑक्सीजन की व्यवस्था तो करा ली है, लेकिन सबसे अहम बात यह आती है कि इन ऑक्सीजन को छोटे सिलेंडरों में या जंबो सिलेंडरों में रिफिल कर किस तरीके से मरीजों तक या अस्पतालों तक सुविधापूर्ण तरीके से मुहैया कराया जा सके। अब स्थिति यह है कि अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर्स की संख्या कम हो चुकी है। जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से लोगों ने सिलेंडरों को घर में स्टोर करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने उसके लिए कई इंतजाम शुरू कर दिए हैं। आज मुख्यमंत्री खुद रांची के बाहरी इलाके में विकास और ओरमांझी में स्थित दो ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट्स तक पहुंचे। एक ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट की कैपेसिटी घंटे भर में 36 जंबो सिलेंडर्स को रिफिल करने की है और दूसरे की कैपेसिटी दिन भर में 900 से 1000 सिलेंडर्स रिफिल करने की क्षमता है। वहाँ पर उन्होंने संचालकों से बात की है, उनके अंदर एक विश्वास जगाने की कोशिश की है और साथ ही व्यवस्था के तहत किस तरीके से यह ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों तक, अस्पतालों तक सुविधाजनक तरीके से मुहैया हो जा सके, इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कंचन, स्थिति झारखंड की यह है कि बोकारो स्टील लिमिटेड, जो बोकारो का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्टील निर्माण इकाई है, वहाँ से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे राज्यों में की जा रही है।
जहां हमने देखा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत रेलवे के द्वारा खाली टैंकर भेजकर बोकारो से उसमें ऑक्सीजन रिफिल कराकर भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी तक रवाना की जा चुकी है और कल देर शाम वायुसेना के विमान से 3 बड़े टैंकरों को उतारा गया रांची एयरपोर्ट पर और यहाँ से सड़क मार्ग से वह बोकारो पहुंचे और बोकारो में जाकर वहां से रिफिल कराकर वापस हवाई जहाज से आज देर शाम वो अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सामंजस्य के साथ चल रही है, लेकिन स्थिति फिर वही कि एंड यूजर जो अंतिम उपभोक्ता है जिन तक ऑक्सीजन की कमी है वहां तक ऑक्सीजन किस तरीके से सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके इस पर राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है और राज्य सरकार इन उपायों में लगी है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की जान ना जा सके। कंचन बिल्कुल कुंदन जी, अगर यहाँ पर बात की जाए केंद्र की तो केंद्र की तरफ से क्या कुछ मदद यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री बार बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद अभी तक यहाँ मिल पाई है राज्य को? देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अभी केंद्र सरकार से जिन चीजों की जरूरत है राज्य सरकार को, एक तो वैक्सीन की बात कर लें, जिस तरीके से 1 मई से 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की अभियान की शुरुआत होगी, इसके अलावा जो जरूरी दवाइयां हैं रेमडेसिविर की बात कर लें या बाकी दूसरे जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं पैरासिटामोल की बात कर लें, ये जरूरी दवाओं की उपलब्धता खुद राज्य सरकार सुनिश्चित करवाने के पीछे लगी हुई है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता राज्य में खुद से है, राज्य आप कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट है ऑक्सीजन निर्माण को लेकर और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। साथ ही साथ अगर एक सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है तो वह स्वास्थ्य कर्मियों के कमी को लेकर है, क्योंकि तमाम आईसीयू और जितने सरकारी या निजी अस्पतालों की बात कर लें तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे में जरूरत है उन्हें भी आराम की। कुंदन जी, रोकना चाहूंगी यहां से, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार हमारे साथ इस पूरे खबर पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। राजेश जी, जैसे कि लगातार अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में जनता को इस संकट से निकाला जा सके। अब तक यहां पर यह बात सामने आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अब ऑक्सीजन यहां पर है लेकिन सिलेंडर की कमी हो रही है। देखिए, ये अचानक से आई हुई विपदा है और हम समझते हैं कि हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। संख्या में मरीज आ रहे हैं और ये सही है कि ये विपदा और महामारी का नाम इसलिए दिया जाता है कि कहीं ना कहीं हम उसको रोकने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने सभी ऑक्सीजन प्लांट का जो है आज निरीक्षण भी किया है, फिजिकली भी और बात करके जिलों में, और हमें लगता है कि 1-2 दिन के अंदर में बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट की जो शुरुआत भी हो जाएगी। बोकारो में भी एक ऑक्सीजन प्लांट को अनुमति दी गई है, कई जगहों पे जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको इमीडिएट करके जो इंडस्ट्रियल गैस के वो बनाते हैं उनसे भी ऑक्सीजन प्लांट को लगाने की बात कही गई है। तो हम समझते हैं बहुत जल्दी हम लोग सब कंट्रोल कर लेंगे, ये हम आपको एश्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर इस कड़ी में बात की जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद यहाँ पर मिल पा रही है? राजेश जी, लगातार अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का कहना है कि जरूरत है कि केंद्र सरकार और थोड़ी सी मदद करे जिससे लोगों को इस संकट से निकाला जा सके। देखिए, ये सही है कि जितनी मदद अभी तक हम लोगों ने केंद्र सरकार को कर दी है, अगर उतनी भी मदद हमें केंद्र सरकार कर दे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि हमने बोकारो स्टील से जो झारखंड में स्थापित है वहां से और टाटा से जो टाटा स्टील से ऑक्सीजन देने का पूरे देश में प्रयास किया है और जहां से भी कहीं से ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है उसको हम लोग भरपाई करने में लगे हुए हैं। हमें सिलेंडर की जरूरत है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और केंद्र सरकार जो जितना चुनाव में लगा हुआ था अगर उतना इसमें विपदा की घड़ी में लग जाए तो हम समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हाँ
ये बात तभी साबित होगी। हमने तो करके दिखा दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है, हमने हिम्मत बांधा हुआ है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये केंद्र सरकार कुछ करेगी तभी पता चल पाएगा। राजेश जी हमारे साथ यहाँ पर हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी कुंदन जी। जी जी एक अहम सवाल, मुख्य नमस्कार, मुख्यमंत्री खुद 24 घंटे राउंड द क्लॉक खुद से या अपने अधिकारियों के मार्फत तमाम संसाधनों के उचित इस्तेमाल पर जोर दिए हुए हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई में, मैं आपके जुड़ने से थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि झारखंड ऑक्सीजन निर्माण करने में खुद से सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, हम दूसरे राज्यों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं, हमारे यहाँ अगर किसी चीज़ की दिक्कत है तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की है जो मरीजों तक, अस्पतालों तक सुविधापूर्ण तरीके से मुहैया कराया जा सके। सिलेंडर्स के दिशा में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी इन सिलेंडरों की डिमांड बढ़ेगी और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता बढ़ी है उस आवश्यकता को अगले 10 गुना तक भी हम पूरा कर पाने में सक्षम है, लेकिन सिलेंडर्स की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए सिलेंडर की आपूर्ति के लिए अभी अचानक से एक दो दिनों में कुछ इंतजाम तो किया गया है और हम लोग केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अन्य राज्यों से तालमेल करके सभी राज्यों को सिलेंडर भिजवाने की व्यवस्था करें। बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं, हमें कोई कहीं कोई परेशानी नहीं है और हम समझते हैं बहुत हद तक ऑक्सीजन पर अब हम लोगों ने काबू पा लिया है। अगर आप देखेंगे तो एक दो दिनों में आपको ये सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। ये सही है कि हम इतनी बड़ी विपदा के लिए तैयार नहीं थे, अगर हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र सरकार के तरफ से भी इस तरह का कोई जो एक इंटीमेशन आता है कि देखिए इस तरह का, क्योंकि इतनी केंद्र सरकार के पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, स्वास्थ्य विभाग के इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, तो उन लोगों से पहले अवगत होकर के हम लोगों को अवगत कराना चाहिए था जो शायद हम लोग नहीं कर पाए या हमारी केंद्र सरकार नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा वक्त और एक दो दिन का अगर हम लोग को मिल रहा है तो निश्चित रूप से हम सारी चीजों पर काबू पा लेंगे और कोरोना पर तो जरूर काबू पा लेंगे। राजेश जी एक बहुत भारी मन से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि चूंकि अभी तक जो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध देखे गए हैं 2019 में जब से हेमंत सरकार ने झारखंड में अपनी सरकार बनाई है तब से लेकर अब तक जो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच के संबंध की बात की है तो हमेशा से आरोप प्रत्यारोप की बात चलती रही है। अगर आज की स्थिति में बात करें तो क्या आप कहेंगे कि केंद्र सरकार झारखंड की तरफ एक नेग्लिजेंट व्यू रखे हुए है और झारखंड को उचित मदद केंद्र की तरफ से नहीं मिल रही है, वो चाहे दवाइयों की सप्लाई की बात कर लें, वैक्सीन्स की बात कर लें, या रेमडेसिविर जीवन रक्षक दवाई के तौर पर जो अभी इस्तेमाल हो रही है उसकी बात कर लें, या बाकी दूसरे संसाधनों के इंतजामात की बात कर लें? पूछिएगा तो ये बात कोई आज की बात नहीं, जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है 2014, तमाम ऐसे राज्यों की जिनमें जो दूसरे की सरकार या तो अनदेखी की गई या उनको किसी न किसी से तरह से अस्थिर करके अपनी सरकार बना दी, और आपको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हैं ये लोग बार बार, उसका कहने का मतलब ही यही होता है कि अगर आप मेरी सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो आपको ज्यादा सुख होगा, यही तो कहने का मतलब है कि डबल इंजन की सरकार बहुत मजबूती के साथ चलेगी और आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अभी यहाँ झारखंड में आए थे अठावले जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आइए आप हमारे साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से ऑफर किया था कि आप आइए हमारे साथ तो सारी सुविधाएं मिलेगी। उनके केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सौतेला व्यवहार है इसलिए है कि आप हमारे साथ नहीं है, हमारी ये सरकार नहीं, जबकि केंद्र सरकार अगर सच पूछिए तो किसी की अपनी सरकार नहीं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और ये जो सरकार है वो सभी राज्यों के लिए, ऐसा नहीं है कि जो भाजपा शासित राज्य है उनके लिए है, समझ का फेर है, बहुत जल्दी जनता सब कुछ रंगी निगाहों से देख रही है और समझ रही है कि किस तरह केंद्र सरकार झारखंड को परेशान कर रहा है या अन्य राज्यों को जो उसके भाजपा नीत सरकारें नहीं है, तो उन सब जगहों से
ये पहले ये सब चलता था, अभी तक बहुत लोग गुमराह होते रहे हैं, लेकिन इस नेता की घड़ी में लोगों को समझ में आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज उन्होंने भारत को कांग्रेस मुक्त क्या किया नहीं किया वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन कोरोना युक्त जरूर कर दिया है। और अब हम समझते हैं कि बहुत जल्द भाजपा लुप्त भारत होगा और हम लोगों को राहत मिलेगी। हम देखिए आरोप एक सवाल, कांग्रेस ने अब से थोड़ी देर पहले एक कोविड 19 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उसके नोडल पदाधिकारी के रूप में झारखंड के पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को भी नियुक्त किया गया है। इस कंट्रोल रूम की क्या गतिविधि होगी, ये किस तरीके से इस महामारी के दौर में काम करेगा, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से ये निर्णय लिया गया है, उसमें चार लोगों को शामिल किया गया है, आदरणीय मनीष चतरथ जी हैं, पवन खेरा जी भी हैं और हमारे झारखंड को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तवज्जो देकर के हुए डॉक्टर अजय कुमार को उसमें शामिल किया है। निश्चित रूप से अजय कुमार जी पांडिचेरी के जो जिपमर मेडिकल कॉलेज है उसके पढ़े हुए हैं, तो उसका लाभ भी हम लोगों को भी मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। हम समझते हैं जहां भी प्रदेश कांग्रेस को मदद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस क्या कर रही है, उन सारी चीजों को गतिविधियों को देखने के लिए उन लोगों को वहां बैठाया गया है कंट्रोल रूम में। वो पूरे भारत के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से टच में रहेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि अजय कुमार जी को बनाया गया है। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम डॉक्टर अजय कुमार जी को बधाई देते हैं कि वो उनको इस सम्मान के लायक समझा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और वो अपने इस उम्मीद हम लोगों की उम्मीद पर पूरी तरह से खड़ा उतरे। जी चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने हमसे की। कुंदन जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हमारे बिहार झारखंड के संपादक है। कुंदन जी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बनता है, जिस तरीके से लगातार अब ये खबर सामने आ रही है कि ऑक्सीजन है लेकिन सिलेंडर की सबसे ज्यादा कमी है और इस कमी को पूरी करने के लिए हर तरीके से प्रयास भी किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से लगातार मदद के लिए गुहार भी लगाई जा रही है, लेकिन ऐसे में राज्य सरकार के लिए अब सिलेंडर उपलब्ध कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए कंचन, अभी अगर झारखंड सरकार की बात कर लें तो झारखंड सरकार कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि जिस संख्या में या जिस अनुपात में झारखंड से संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ से मृतकों की संख्या भी लगातार एक चिंताजनक स्तर पर निकलकर सामने आ रही है। अस्पतालों में आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या बहुत ही लिमिटेड है। हालांकि राज्य सरकार इस दिशा में जरूरी उपाय कर रही है ताकि आने वाले एक कुछ दिनों में आईसीयू बेड्स या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या बढ़ाई जा सके। दवाइयों को मुहैया कराने के लिए कहीं से कालाबाजारी ना हो उसके लिए भी अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है। इसके साथ ही साथ जिन स्तरों पर राज्य सरकार संघर्ष कर सकती थी संघर्ष कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो उपाय लॉन्ग टर्म प्लान में आते हैं। अब सिलेंडर्स की बात हम कर रहे थे, सिलेंडर्स ऐसा नहीं है कंचन कि एक दो दिन में मुहैया कराए जा सकते हैं, क्योंकि सिलेंडरों के निर्माण में एक लंबा वक्त लगता है और एक बड़ी संख्या सिलेंडरों की ज़रूरत होगी जो आने वाले समय में मरीज या अस्पतालों तक पहुँचाने की नौबत आएगी। ऐसे में देखना यह होगा कि हम इसका किस तरीके से जुडिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी खबर पर कुंदन जी रोकना चाहूंगे हम आपको, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सरोज कुमार इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद सरोज जी। जिस तरीके से लगातार एक संकट का माहौल है, लोगों को इस संकट से निकालने के लिए तमाम राज्य इस वक्त लगे हुए हैं, झारखंड सरकार भी लगातार इस संकट से लोगों को निकालने के लिए यहां पर प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में अब ऑक्सीजन है और सिलेंडर की कमी हो गई है, लगातार केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूर्णता से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये तो पैंडेमिक ये जो है पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है कोरोना को लेकर के, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये आपदा जो आई है ठीक है
ठीक है कि इसके कोई दोषी नहीं है, ये तो प्राकृतिक प्रकोप का है अब लोगों पे जो है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा मुख्यमंत्री जी से, ठीक है कि दिक्कतें हैं, अचानक हो गया है और इतनी बड़ी संख्या में चीजों को ठीक करना दिक्कत होती है, लेकिन कम से कम राज्य के मुखिया अगर इस तरह का झूठ बोलेंगे, राज्य का आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है, 500 बेड रिम्स में 200 बेड वहां सदर अस्पताल में खाली पड़े हुए हैं, यहाँ इतना खाली पड़ा हुआ है बेड की कोई कमी नहीं है, और उनके हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए, लोग ऑक्सीजन बेड के लिए तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा, लोगों की जान जा रही है उसके चलते, तो मुख्यमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास बेड पड़ा हुआ है, खाली पड़े हैं ऑक्सीजन बेड और ये कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना यहाँ खाली पड़ा है, इतना यहाँ ऑक्सीजन बेड खाली पड़ा है, ये समझ के परे है। ठीक है कि आपदा आई है, विपदा आई है, तो विपदा में सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कर रही है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे, झूठ बोल करके लोगों को आज लोग अर्फा तर्फी मचा हुआ है, सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी जो है सो जिनका फोन नंबर जारी हो रहा है फोन नहीं उठा रहे हैं, और जो वहां पर उनके हेल्पलाइन में नंबर पर कल उद्घाटन किए हुए एम्बुलेंस का, कहीं फोन करिए तो एम्बुलेंस नहीं है, नंबर बताइए, ये बताइए कहाँ जा है। हाँ, यानी सरोज जी आपका कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास नाकाफी है, लेकिन ऐसे में सवाल आपसे भी बनता है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वहां पर सभी चीजें दुरुस्त हैं? देखिए हम, मैंने पहले ही कहा हम सबको, हमने हमारी बात को आप पूरी सुनी होंगे जी, कहिए, हमने पहले ही कहा कि ये विपदा है, पेंडेमिक है, लेकिन लेकिन इस स्थिति में हम समझ रहे हैं कि चीज गड़बड़ हुई है, कि इतना एक बार इतना तेजी से सरकारें नहीं तैयार थी, इस तरह का आपदा अचानक आ गया, विपदा आ गया, हम समझ रहे हैं कि दिक्कतें हुई है, सारे सरकारों के लिए है, मैं झारखंड सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए है, लेकिन सरकारी ईमानदारी से प्रयास करें और कम से कम झूठ तो नहीं बोले ना, सरोज जी हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं, एक सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। सरोज जी आज से 5 दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, उस सवाल को फिर से आज मैं आपसे दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। इस विपदा के समय तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बढ़ चढ़ कर मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आपके दल के कुछ लोग आउट ऑफ द वे जाकर व्यक्तिगत रूप से मरीजों को और उनके परिजनों को मदद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्या कर रही है, यह हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, सभी दल नहीं, कोई दल नहीं कर रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, हम लोग ने बजाबते हेल्पलाइन जारी किए हुए हैं, हमने बजाबते व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें लोग डाल रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन बेड चाहिए, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, आपके अखबार और मीडिया के लोग ही रोज दिखा रहे हैं कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ताओं को तो बजाबते फोटो के साथ आप लोगों ने लिखा है कि भाई दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री कर दिया है, कि भाई 180 रुपए में देंगे, 100 रुपए में रिफिल करके देंगे, सब लोग हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग हमारे पार्टी पूरी 4 लोग के को की टीम बनाई हुई है, पूरा है नंबर जारी किया, मैं चाहूंगा आप अपना नंबर दे दे तो मैं उनसे चाहूंगा कि उस ग्रुप में आपको जोड़ दे, तो आप देखिएगा कि कैसे कैसे उसमें डिमांड्स आ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता उसको जितना हो पा रहा है। सरोज जी गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा नंबर आपके पास होगा। नहीं, मैं आपका आपके नंबर को मैं जोड़वा देता हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा कि कैसे लोग उसमें कर रहे हैं और कैसे लोग फॉलो अप कर रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि आपको भी उसमें जोड़ ले नंबर में, देखिए जितना हो पा रहा है, अगर किसी को घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है तो उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हुए हैं, भाई आप कहिए हम लोग ला के दे देंगे, भोजन की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी आप कहें तो हम लोग भोजन पहुंचवा देंगे, आपको कहीं और सिलेंडर की जरूरत हो, ऑक्सीजन सिलेंडर बेड की जरूरत हो तो जितना हो पा रहा है
हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ फॉलोअप करके वो लग कर रहे हैं सारे लोग, और एक ग्रुप बना हुआ, एक पूरी टीम मेरी लगी हुई है, ऐसी नहीं है बात है कि पार्टी नहीं लगी हुई, पार्टी पूरी तरह से जो है इस काम में लगी हुई है जी। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं वो बातें यहाँ पर साबित होती हुई नजर आए, क्योंकि बेहद जरूरत है लोगों को इस वक्त मदद की। आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है सरोज जी, जरूरत है कि सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि अगर मिलकर काम करेंगे तो ही हम इस कोरोना को यहाँ पर हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है, खुद VIP न्यूज भी लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पूरा ख्याल रखें। लगातार VIP न्यूज आपसे यह अपील कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, दो गज की दूरी बेहद है जरूरी, क्योंकि अगर आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे तभी आप अपना और अपनों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।